मॉडिफिकेशंस होंगी तभी कर पाऊंगा स्टंट्स। शाम के टाइम कैसा लगता है और भी एक्शन इन द चैट। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। हो गया थोड़ा लेट, अभी तो बज रहे हैं 7:15। हम हैं देसी बालक गामा के, थोड़ा काम हो जाता है घर पे, इसकी वजह से लेट हो गया आज। रेगुलर तो हम रहेंगे जो मर्जी हो जाए, सुबह तो मैं बना सकता हूँ ब्लॉग, लेकिन इतनी धूप होती है। उस दिन हम गए थे तो पूरी टैनिंग हो गई है, अभी तो स्किनर्स ही डाल रहा हूँ मैं। और फिर एक्शन इन द चैट। आज तो बहुत लेट हो गया हूँ, सनसेट देखो कब का हुआ है। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं करूँगा स्टंट प्रैक्टिस चिली की, तो मेरे से होने वाले नहीं। निकल में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी तभी कर पाऊंगा स्टंट्स, चिली की प्रैक्टिस करते हैं। अभी दिन मैंने डाली थी 4-5 क्लिप्स से ज़्यादा की थी प्रैक्टिस, लेकिन वीडियोस कम डालता हूँ मैं। अभी प्रैक्टिस चल रही है, मैं सोच रहा हूँ और के पुल पे चलते हैं, वहाँ पे मज़ा आता है। फिर तो ट्रैफिक बहुत होगी, वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होगी तो मस्त व्हीलिंग लगेंगी। बहुत दिनों बाद आऊँ फिर भी एक्शंस अच्छे रहते हैं। हेलो, याना थोड़ी देर हो, अच्छे मिल गए थे हमारे भैया। अभी तो बहुत अंधेरा हो गया होगा, फ्लिकरिंग उस दिन मैं सोच रहा था फ्लिकरिंग हो रही होगी, लेकिन फ्लिकरिंग नहीं होती, मेरे फोन में ये क्वालिटी दे देता है। ये क्या है? यहाँ पे मैं इसलिए आता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब मैं व्हीली मार सकता हूँ। यो, पीछे से आ गई गाड़ी। हेलो, पब्लिक के बहुत औसम रिएक्शन है भाई। शाम का टाइम है तो बढ़िया बढ़िया रिएक्शन मिल रहे हैं, ऐसे कुछ रिएक्शन नहीं मिलता। ये जगह मस्त है, सभी इवनिंग वॉक पे चले हुए हैं, मैं अपनी साइकिलिंग कर रहा हूँ तो रिएक्शन भी ओपी आ रहे हैं। इतने औसम रिएक्शन पहले आते कभी तो क्या मज़ा आता ना, सुबह के टाइम तो कोई मिलता नहीं है, तो इसका मतलब शाम के टाइम निकलना पड़ेगा मज़े मज़े वाले रिएक्शन। गाइस, रिस्पॉन्स आपका बहुत बढ़िया मिलता है, आगे देखना ये मोटो जला हुआ है, इसका भी बढ़िया रिएक्शन आएगा। मज़ेदार व्हीली, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। साइकिलिंग का टाइम शाम का टाइम, दोपहर अब बारिश होगी तो फिर उसके बाद। ये भी हमारे इंस्टाग्राम के मेंबर, फर्स्ट वीडियो में बंदे कमेंट कर रहे थे कि इनका एक ही था सब्सक्राइबर, एंगल बढ़िया नहीं है। क्वालिटी अब देखना कितनी डाउन होती जाएगी, तो 7:30 से ऊपर होगा टाइम। माता जी ने कहा था कि मंदिर जाना, तो ब्लेड का मंदिर है यहाँ पे, तुम सभी को पता होगा। बोलते हैं अब वहीं थोड़ी देर मंदिर की वाइब ली जाए, अंदर नहीं जाता क्योंकि शू पहने होते हैं, खोलने पड़ते हैं फिर। ये बिल्कुल साफ सुथरा जाना पसंद है। क्या हाल चाल, बढ़िया? अंधेरे में दिख तो कुछ नहीं रहा होगा, खरा होगा तो लाइक कर देना। चलते हैं नीचे मंदिर, सो बाहर से प्रणाम करेंगे और तुम भी चेक कर लो शाम के टाइम कैसा लगता है। और वहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, पूरे मंदिर का कुछ ऐसा व्यू। ये शनिदेव जी का मंदिर, यहाँ पे सामने वहाँ पे अंदर होता है भंडारा, कुछ ऐसी भाई है यहाँ की। तो शाम के टाइम कैसी क्वालिटी आ रही है, फुटेज चेक कर लेता हूँ कैसी रिकॉर्ड हुई तब से, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा एंगल। तो अपनी कुछ ऐसी वाइब है, ये एंगल बढ़िया है, मैं पहले कुछ ज़्यादा उठा दिया था, उस दिन गया था मैं खेड़ा की राइड पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखो चेक करो, बुरे हाल है। वो हैंडल में थोड़ी सी कुछ प्ले नहीं आई है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। सो ये देखो ट्रक चढ़ रहा है चढ़ाइयों में, यहाँ से नीचे से आया। वाह भाई, और अंधेरा हो गया, यहाँ पे मस्त आ रहा है क्योंकि ये वाइट वाइट की वजह से पूरी लाइटनिंग हो गई है। मारते हैं व्हीलीस, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का शाम के टाइम ऑसम, और वहाँ पे सामने ट्रक ट्रक। तो सनसेट कब का हुआ है, ओ चलते हैं अब घर का लोग, बस इतना ही, चलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खाली बस देखता रहे।